उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूकेएसएससी को पूरी तरह से दुरुस्त कर और फुल प्रूफ बनाया जाएगा। इसी कड़ी में यूकेएसएससी में तैनात रहे अफसरों की विजिलेंस जांच समेत उन्हें उनके पदों से हटाया भी जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने का कहना है कि जो अभ्यर्थी परीक्षाओं में देर के कारण ओवरएज हो रहे हैं, सरकार उनके पक्ष में भी जल्द निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद यूकेएसएससी के सचिव एसएस रावत ने कहा कि आयोग में कई ऐसे पद और कर्मचारी हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। ऐसे में आयोग की छवि को स्वच्छ बनाने के लिए जरूरी था कि आयोग को रिस्फल किया जाता है, इसलिए सख्त कदम उठाते हुए उनके द्वारा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने का काम किया गया है। देखिए, अभी चूंकि लोगों का ये लंबे समय से भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी और मैं समझता हूं कि एक दशक से ज्यादा हो गया, लगातार इन भर्तियों की गड़बड़ियां सामने आई हैं। हमने कहा है कि आगे भविष्य में कोई भी गड़बड़ी न हो, किसी भी सेक्टर में न हो, कोई भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, जिससे कि हमारे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनका जो एक विश्वास जगमगाया है आने वाले समय के लिए, वो दृढ़ हो जाए कि अगर वो भर्ती परीक्षा में भाग ले रहे हैं, अगर उनके अंदर योग्यता क्षमता है तो कोई उनको रोक नहीं सकता। हमें पहले से ही जब हम गए तो हमें लगा कि थोड़ा सा जो है चेंज करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि पूरे आयोग पे प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। तो सबसे पहली जो जरूरत ये समझी गई कि भाई आपने जो है, चलो सचिव भी हट गए, चेयरमैन साहब ने इस्तीफा दे दिया और एग्जाम कंट्रोलर रिटायर हो गए थे, लेकिन बेसिक चीज है आयोग में जो है जो काम होता है वो नीचे के कर्मचारी ही करते हैं।